लो भाई साहब, 90 90 पहुंच चुका है। ऑन करे मात्र 10 मिनट ही हुआ है, कुछ 90 डिग्री सेल्सियस ये पार कर चुका है। काफ़ी फास्ट हीटिंग करता है ये OFR, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इस OFR में से अभी निकल रही है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यार, इंडिया में ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड के मौसम में हमें दो अप्लायंसेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक तो पानी गर्म करने वाला रॉड या गीज़र और दूसरा है रूम हीटर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही कमाल का रूम हीटर लेकर आया हूँ। तो गाइज, आप लोगों ने यही सुना होगा कि रूम हीटर हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ज़्यादा समय तक हमें रूम हीटर नहीं चला कर रखना चाहिए और बंद कमरे में तो कभी भी रूम हीटर हमें नहीं चलाना चाहिए। लेकिन गाइज, ये जो रूम हीटर है, इस रूम हीटर को अगर आप चलाते हैं, इससे आपकी सेहत पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला और साथ ही साथ बंद कमरे में आप इस रूम हीटर को पूरी रात भर पूरे दिन भर चला के रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो यार, आम तौर पर हमारे घरों में इंफ्रारेड या PTC फैन हीटर ही होता है जिन्हें हम ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते, क्योंकि वो जो हीटर होते हैं ना, हमारे रूम में मौजूद ऑक्सीजन को बर्न करते हैं। तो अगर हम उन हीटर को चलाते तो हमें सफोकेशन और स्किन ड्राइनेस का भी प्रॉब्लम हमें हो सकता है। तो लिटरली गाइज, वो रूम हीटर हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक फ़ैन हीटर का मैंने रिव्यू किया था, अब मैंने उसे कुछ आधा घंटा ही चलाया होगा और मुझे इतना गंदा हेडेक हुआ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। मैंने सीधा उसको बंद किया, बहुत ही ज़्यादा बेकार रूम हीटर था यार वो। तो अभी मैंने अपने लिए ये हैवल्स का OFR यानी कि ऑयल फिल्ड रेडिएटर मैंने ये बाय किया है। तो ये जो OFR है यानी कि ऑयल फिल्ड रेडिएटर, इसे अगर आप पूरे दिन भर भी अपने घर में कमरा बंद करके चलाते हैं ना, तो भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर इसका नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आपके घर में कोई बेबी है या कोई ओल्ड एज पर्सन है, तो भैया वो पुराने जो ट्रेडिशनल जो रूम हीटर होते थे, इंफ्रारेड वाले और PTC फैन हीटर वाले, वो बिल्कुल भी बाय मत कर लेना, बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं। कोई भी बेबी है या कोई ओल्ड एज पर्सन है, आप ये OFR बाय कर सकते हैं, ऑयल फिल्ड रेडिएटर, और इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी में नहीं पड़ता है। ठीक है, सेफ है, आप पूरे दिन भर चला सकते हैं, पूरी रात भर आप चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ने वाला है। कमरा बंद करके चला लो, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो OFR है आपके रूम के ऑक्सीजन को बर्न नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो रूम हीटर है ये 100% सेफ है। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हैवल्स के इस OFR यानी कि ऑयल फिल्ड रेडिएटर का। तो अभी आप ये जो हैवल्स का OFR देख पा रहे हैं, ये इंडिया का नंबर 1 OFR है। गाइज, ये इंडिया का नंबर 1 OFR है, लेकिन प्राइस इसकी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर आप भी इस OFR को बाय करना चाहते हैं, तो इसका परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उस लिंक की मदद से ना 1 क्लिक में इस OFR को आप बाय कर सकते हैं, कहीं पर जाके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली वीडियो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है ना, उस पर बस क्लिक करो, सीधा भैया आ जाओगे इस प्रोडक्ट पर आ जाओगे। ठीक है, कोई सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हैवल्स के इस OFR पर आ जाओगे। अगर पसंद आए तो बाय कर लेना, और डेफिनेटली यार पसंद आने वाला है यार, बहुत बढ़िया ये OFR है, हैवल्स का नंबर 1 है यार, दोबारा बता देता हूँ, इंडिया का नंबर 1 ये OFR है। तो चलो यार, विदाउट एनी डिले हम हैवल्स के इस OFR का हम रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यार इसके बॉक्स पर क्या क्या मेंशन है। ठीक है, तो ये है हैवल्स का 11 फिन वाला OFR। OFR में आपको 2 मॉडल मिलते हैं, पुराना था नॉन वेव वाला और लेटेस्ट आया है विद वेव। ये देखो, ये फिन्स दे रखे है और ये थोड़ा वेव पैटर्न में आता है। तो हमारा ये जो मॉडल है ये वेव वाला मॉडल है, लेटेस्ट वाला, और इसमें ना आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। लेकिन जो पुराना वाला, जो नॉन वेव वाला जो मॉडल है, उसमें आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। और वारंटी की अगर मैं बात करूँ, ऑन साइट वारंटी मिलती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हैवल्स के कस्टमर केयर पर फ़ोन मिलाओ, आपके घर पर आके रिपेयर करके जाएंगे। और इसमें आपको 3 हीट सेटिंग्स मिलते हैं, और साथ ही साथ इसमें ना आपको PTC फैन हीटर भी मिल जाता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा था भैया, PTC फैन हीटर बेकार होता है, थोड़ा बहुत चलाओ तो ठीक है, लेकिन इसमें भी ऑप्शन दे रखा है PTC फैन हीटर का, चलाना है चला लो, नहीं चलाना फैन हीटर तो मत चलाओ। तो इसको मैं नंबर 1 OFR क्यों बोल रहा हूँ भैया, इसके कुछ कारण है।
पहला तो यार ये हैवल्स का भरोसा है, और दूसरा ना इसमें जो ऑयल दे रखा है वो HD 320 ग्रेड ऑयल दे रखा है, जो कि काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक बार अगर इसको गर्म करोगे तो भैया 2-3 घंटे तक आराम से गर्म रहेगा, तो आपकी बिजली भी बचेगी इससे और काफी लंबा भी चलता है। अगर आप इसको बाय करना चाहो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में इसका लिंक मैंने दिया हुआ है। और इसके जो फिन्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है लार्ज सरफेस वेव फिन्स फॉर फास्टर हीटिंग। ये जो फिन्स है, फिन्स का सरफेस काफी लंबा है, काफी लार्ज है, जिससे कि काफी जल्दी ये गर्म होता है और काफी देर तक भी गर्म रहता है। आमतौर पर जो रूम हीटर होते हैं भैया, आपके रूम की ना ऑक्सीजन को बर्न करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी ऑक्सीजन को बर्न ये नहीं करता है। सो इट इज सेफ फॉर योर बेबी, फॉर ओल्ड एज पर्सन। आप इसको पूरे रात भर भी कमरा बंद करके इसको आप पूरी रात भर चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपके रूम का ऑक्सीजन ये बर्न नहीं करता है। तो यहाँ पे देख लो भैया, बता रखा है ड्राइनेस भी नहीं होगा और ब्रीदिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ ही साथ आपके रूम का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा ये, क्योंकि ये ऑक्सीजन को बर्न नहीं करता है। तो फ्रंट पे तो यही सब मेंशन है, हम थोड़ा साइड में देख लेते हैं और क्या क्या मेंशन है इसके। भाई साहब बहुत भारी है यार ये, बहुत ज़्यादा भारी है। इसका वजन जो है, पुराना वाला जो मॉडल है नॉन वेव वाला, वो कुछ 16 किलो के आसपास है, और ये जो लेटेस्ट जो मॉडल है विद वेव, इसका वजन है कुछ 13 किलो के आसपास। तो गाइस ये बहुत ज्यादा बड़ा है यार साइज में, फ्रेम में भी पूरा नहीं आ पा रहा है, थोड़ा टेढ़ा करके दिखाना पड़ेगा आपको। और इसमें आपको काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर ये टिल्ट हो जाता है ना, जैसे सीधा खड़ा है, थोड़ा सा भी अगर टिल्ट हो जाता है आपसे तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है सेफ्टी के लिए। इसमें आपको 3 पावर सेटिंग मिलती है, अगर आप लो पर चलाते हैं तो मात्र 1000 वॉट ही ये OFR कंज्यूम करेगा, और अगर आप मीडियम में चलाएंगे तो 1500 वॉट कंज्यूम करेगा, और अगर आप हाई पे चलाओगे तो भैया 2500 वॉट ही कंज्यूम करने वाला है। तो भैया सिंपली लो पर चलाओ, 1000 वॉट ही कंज्यूम करेगा। साथ ही साथ इसमें आपको PTC फैन हीटर भी मिल जाता है, जैसे जल्दी अगर कमरा गर्म करना है तो चला सकते हो। और साथ ही साथ इसमें आपको कैस्टर व्हील्स भी दे रखे हैं, जिससे कि आप इजीली इस OFR को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि यार बहुत ज्यादा भारी है, मूव करना काफी दिक्कत हो जाएगा अगर ये कैस्टर व्हील्स नहीं लगाओगे तो। और इसमें आपको थर्मोस्टेट भी दिया गया है हीट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, नोब है, नोब को घुमा के आप हीट को कंट्रोल भी कर सकते, कितनी हीट चाहिए उस हिसाब से नोब घुमा लेना, थर्मोस्टेट इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, क्या मल्टी डायरेक्शनल हीटिंग इसमें आपको मिलती है। और यहां पर ना आप इसकी MRP देख सकते हैं, जो है 17,645 यानी कि 17,645 इंडियन रुपीस। तो गाइस इसकी MRP देख के आप लोग डर मत जाना, इसको मैंने बहुत ही कम प्राइस में बाय किया है। MRP तो बहुत ज्यादा है यहां पे मेंशन कर रखा है, लेकिन कम प्राइस में आपको ये मिल जाता है। इसका परचेजिंग लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप जाके इसका प्राइस देख सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में हमने ये OFR बाय किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है भैया कुछ भी इशू अगर आता है होम सर्विस देंगे विद इन 24 आवर्स। तो चलो यार विदाउट एनी डिले अब मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ कैसा है ये हैवल्स का OFR। तो ये है इसका वारंटी कार्ड, संभाल के रखना है यार, फेंक मत देना है। इसका जो बिल होगा बिल भी संभाल के रखना है, और ये वारंटी कार्ड भी आपको संभाल के रखना है। ये इसका यूजर मैनुअल कम वारंटी कार्ड है। तो यहाँ पर बता रखा है ये OFR कितना पावर कंज्यूम करता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये OFR जो है 5 फिन, 7 फिन, 9 फिन, 11 फिन, 13 फिन और 15 फिन में भी आता है। तो कितना पावर वो कंज्यूम करता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यार इसके कैस्टर व्हील कहाँ है यार, बहुत ज्यादा भारी है, इसे हमें उल्टा घुमाना होगा। यहाँ पर गाइस मैं ऑयल की आवाज सुन सकता हूँ, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, आवाज आ रही है लिक्विड फ्लो होने की। ये है इसका कैस्टर व्हील। ये OFR का फिजिकल ओवरव्यू एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है 11 फिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 फिन वाला है। इसी प्रकार से अगर आप 9 फिन वाला बाय करते हैं
ये फिन जो है 9 होंगे, 13 फिन वाला बाय करते ये फिन जो है 13 आपको मिलेंगे। और ये जो नया मॉडल है ये वेव मॉडल है, इसमें ये जो फिन्स है आपको देखेंगे थोड़े कर्व है, ये कर्व फिन्स आपको मिलते हैं। अगर आप पुराना मॉडल बाय करते हैं नॉन वेव वाला वो एकदम सीधा सीधा है। तो गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि आमतौर पर जो रूम हीटर होते हैं वो एयर को बर्न करके ही कमरे को गर्म करते हैं, लेकिन ना ये एयर को बर्न नहीं करता है, इसके अंदर ना ऑयल दिया गया है, पूरे में ऑयल फिल्ड है। और यहाँ पर नीचे की तरफ ना एक रोड दे रखी है, जैसे आपने पानी गर्म करने वाली रोड देखी है ना, वैसी ही एक रोड दे रखी है नीचे। तो वो रोड जो है वो गर्म होता है और ऑयल जो है उससे फिर गर्म होता रहता है। तो जो ऑयल जो इसके अंदर जो गर्म होता है, उस गर्म ऑयल की वजह से आपका रूम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फिजिकल ओवरव्यू दिखा देता हूँ, हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके फ्रंट की तरफ। इसके अंदर गाइस लिक्विड ना फ्लो हो रहा है, उसका काफ़ी साउंड आ रहा है लिक्विड फ्लो होने का। तो ये है इसके फ्रंट का फिजिकल ओवरव्यू। यहाँ पर ये इसका देर का हैंडल, इसको पकड़ के आपको उठाना है, काफ़ी भारी है उठाने में, इसलिए यहाँ पे हैंडल दे रखा है। और यहाँ पर इसका दे रखा है LED इंडिकेटर, और ये है इसका पावर स्विच, इसे इस नॉब को आपको घुमा के इसको ऑन करना है। ये है इसका पावर स्विच और ये है इसका थर्मोस्टेट नॉब, ठीक है। कितना हीटिंग आपको चाहिए यहाँ से इसको घुमा के आप वो चूज़ कर सकते हैं। और ये जो बटन है ना, ये PTC फैन हीटर को ऑन करने के लिए ये बटन दे रखा है। तो PTC फैन हीटर को अगर आप ऑन करेंगे तो एयर को वो यहाँ से खींचेगा, एयर इनलेट यहाँ पे दिया गया है, और एयर आउटलेट जो होगी गर्म हवा जो फेंकेगा वो यहाँ से फेंकेगा साइड से। और ये है इसका कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पर आप कोल्ड को रोल करके लगा सकते हैं। इसके ये फिन्स दिए गए हैं रेडिएटर फिन्स, इन्हीं में से हीटिंग जो होगी वो निकलेगा। बाकी इसके बैक साइड में देख लेते हैं, इसके बैक साइड में कुछ नहीं है, यहाँ पे हैंडल दिया गया है इसको पकड़ने के लिए, ताकि आप उसको पकड़ के उठा सके। बहुत भारी है, उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए दोनों तरफ ही यहाँ पे हैंडल दिया गया है ताकि आप इजीली पकड़ के उठा सके। तो इसमें ये जो कॉर्ड दिया गया है लगभग 1.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है, 3 पिन वाला पावर प्लग है। तो गाइस ये था इसका फिजिकल ओवरव्यू। तो अगर आपको ये हैवल्स का OFR पसंद आया तो इसका परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी मैं शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप 1 क्लिक में हैवल्स के OFR को आप बाय कर सकते हैं। OFR मतलब ऑयल फिल्ड रेडिएटर। तो चलिए अब मैं इसमें क्या लगा लेता हूँ, ये कैस्टर व्हील नीचे की तरफ लगेगा, कैस्टर व्हील वो मैं लगा लेता हूँ। ये इसको आपको ले लेना है और ये इस प्रकार से इसके बीच में से आपको डालना है। पूरे मेटलिक फिन्स है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाओ आप। उसके बाद इस बोल्ट को आप कस लो अच्छे से। तो गाइस मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये जो हैवल्स का 11 फिन का ये जो OFR है इसको मैंने ऑनलाइन बाय किया है। तो अगर आप भी इस OFR को बाय करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में इसका परचेजिंग लिंक मैं शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप 1 क्लिक में इस हैवल्स के OFR को आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं 11 फिन के साथ साथ 5 फिन वाला, 7 फिन वाला, 9 फिन, 11 फिन, 13 फिन और 15 फिन वाले का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। जैसा भी आपका बजट हो आप उस प्रकार से आप बाय कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें ये दूसरे वाले कैस्टर व्हील को भी लगा लेना है, इस प्रकार से आपको इसमें लगाना है। तो गाइस इसकी ये पूरी की पूरी बॉडी ना मेटालिक है, इस प्रकार से लगा लेना। ये देखो हमने ऐसे इसमें ये बिठा दिया, अब इन बोल्ट को अच्छे से कस लेना है। तो गाइस ये जो OFR है इसमें आपको टिल्ट प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब यार हल्का सा भी अगर आप टेढ़ा कर दे तो ना इसको, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा फॉर सेफ्टी रीजन। बहुत ही ज्यादा भारी है ये, तो यार 13 किलो का है। पुराना वाला जो उसका मॉडल है वो 16 किलो के आसपास का है। तो ये देख लो भैया, कैस्टर व्हील हमने लगा लिया है। अब देखो कितने आसानी से ये मूव कर रहा है। नाउ यू कैन मूव दिस OFR एनीवेयर विद ईज।
तो इस OFR को ऑन करने से पहले मैं आपको ये एक चीज बता देता हूँ कि कैसे आपको ये चूज करना है कि कितने फिन का OFR आपको बाय करना चाहिए। तो अगर आपका रूम छोटा है तो आप 5 फिन, 7 फिन, 9 फिन या 11 फिन का भी आप बाय कर सकते हो, और अगर आपका रूम बड़ा है तो भैया आप 11 फिन या 13 फिन या 15 फिन का ही आप बाय कीजिए। जितने ज़्यादा फिन होंगे उतनी ही ज़्यादा ये हीटिंग करेगा। और यार अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपको कम से कम ना 11 फिन वाला ही बाय करना चाहिए, चाहे आपका रूम बड़ा हो या छोटा हो, कम से कम 11 फिन वाला ही बाय करो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो। तो यार मैं तो आप लोगों को यही सजेशन दूंगा यार, ये 11 फिन वाला बाय कर लो। छोटा रूम भी है तब भी चलेगा, बड़ा रूम है तब भी चलेगा। अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो भी सूटेबल है, साउथ इंडिया में रहते हो या कहीं और रहते हो तब भी सूटेबल है। 11 फिन वाला एकदम बढ़िया रहेगा कैसी भी सिचुएशन में आप रहते हो। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कितने फिन का OFR कितना पावर कंज्यूम करता है, ये आपको देखना चाहिए। जितना ज़्यादा ये पावर कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा ही आपका बिजली का बिल आने वाला है, और जितना कम पावर कंज्यूम करेगा उतना कम बिजली का बिल आपका आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 फिन वाला ये जो OFR है, अगर आप इसको लो मोड में चलाएंगे तो मात्र 400 वोट ही कंज्यूम करने वाला है, और मीडियम में चलाओगे तो 600 वोट, हाई में चलाओगे तो 1000 वोट, और इसका जो PTC जो फैन हीटर है वो चलाओगे तो 400 वोट लगने वाला है। तो चलिए अब मैं ना आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए अब हम इस OFR में दे देते हैं पावर। तो यहाँ पर यह है 16 एम्पेयर का सॉकेट, तो इसमें हम लगा लेते हैं इस पावर प्लग को, और अब हम इसको कर लेते हैं ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसमें ये PTC फैन यहाँ पे ऑन हो रखा है। PTC फैन जब आप ऑन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से एयर जो है वो खींचेगा और यहाँ से गर्म हवा फेंकेगा। यहाँ से फेंक रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा फेंक रहा है गाइस। जो गर्म हवा जो फेंकेगा वो सिर्फ यहीं से फेंक रहा है, ठीक है, यहाँ से गर्म हवा फेंकता है सिर्फ, ये एक ही तरफ से फेंकेगा, इस तरफ से बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा ये अभी फेंक रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, PTC फैन हीटर को मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा सर घूम रहा है अभी, बहुत ही ज़्यादा गर्म इसने कर दिया है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, PTC फैन हीटर जो होता है वो आपके रूम के ऑक्सीजन को खींच कर जला देता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं ऑन। यहाँ पर ये नॉब दे रखा है, इसमें आपको 3 पावर सेटिंग मिलते हैं, लो, मीडियम और ये हाई। तो जब आप इस OFR को लो मोड में चलाएंगे तो ये पावर कंज्यूम करता है सिर्फ 1000 वॉट, और जब आप मीडियम मोड में चलाएंगे तब ये पावर कंज्यूम करता है 1500 वॉट, और जब आप हाई मोड में चलाएंगे तब ये पावर कंज्यूम करता है 2500 वॉट। तो मैं इसको कर लेता हूँ ऑन, नॉब को आपको बस घुमाना है, ये ऑन हो चुका है। तो अभी हम इसको सिर्फ लो मोड में चला रहे हैं और कुछ ही मिनट के अंदर इसके जो फिन्स है ये गर्म होना शुरू हो चुका है। गाइस मुझे तो लगा था ये फिन्स गर्म होने में थोड़ा समय लेगा, लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर ये फिन्स गर्म होना शुरू हो चुके हैं। तो अभी गाइस इस OFR को ऑन करें लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर देख लेते हैं, कितना टेम्परेचर हुआ इसके बॉडी का। यहाँ पर आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं, 78.6 डिग्री सेल्सियस। तो अभी इसको ऑन करें सिर्फ 10 मिनट का ही समय हुआ है, आप देख सकते हैं टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़े जा रहा है, 83.8 डिग्री सेल्सियस। और इसको अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुआ है ऑन करें, लो भाई साहब 90 पहुंच चुका है। ऑन करें मात्र 10 मिनट ही हुआ है, कुछ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ है ऑन करें, और 90 डिग्री सेल्सियस ये पार कर चुका है। काफ़ी फास्ट हीटिंग करता है ये OFR, आपके सामने ही मैंने आपको दिखाया, मात्र 10 मिनट ही अभी हुए हैं इसको चले हुए, और उसका टेम्परेचर जो है 90 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इस OFR में से अभी निकल रही है, अभी तो कुछ 10-15 मिनट ही हुआ है इसको चले हुए, और पूरे रात भर चलाओगे तो भैया अच्छा खासा गर्म कर देगा ये। और अभी तो यार तुम देख सकते हो, ये देख लो, लो मोड में चला रहा हूँ मैं, ये देखो लो मोड में चल रहा है अभी, थर्मोस्टेट भी देखो पूरा कम कर रखा है मैंने,
ये देखो पूरा अभी लो पर है, पूरा लो पे चला रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त हीटिंग है यार। तो अगर आपके घर में स्मॉल एज बेबी है या ओल्ड एज पर्सन है तो आपको ये OFR ही अपने रूम में चलाना चाहिए, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो अगर आपको ये OFR पसंद आया तो इसका परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी मैं शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इस हैवल्स के OFR को आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।